ये देखिए आप कितना दरार यहाँ पर आई है पानी की वजह से। और इसी तरह से ब्रज दर्पण परिवार इन ब्रजवासियों की सेवा करता रहेगा, और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये सारे ब्रजवासी ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। ये अनन्य भाव का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं कि किस तरह से सामान को सिर पर रख के हम घर घर तक ये सेवा पहुँचा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सब चीज़ की परेशानी, खाने की, पीने की, दूध की, चाय की, लाइट की, यानी कि पीने के पानी तक की परेशानी है। परेशानी ये कहो क्या नहीं है, परेशानी सब परेशानी है पूरी कॉलोनी में। ये और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ब्रजदर्पण परिवार द्वारा ये जो सेवा है आप देख पा रहे हैं, जो यमुना से प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित ये जो ब्रजवासी हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर ये रुके हुए हैं। और इनके लिए ये जो प्रसादी सेवा है ये अपने आप में अद्भुत है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जितने भी कैंप आप देख पा रहे हैं, ये सारे कैंप उन्हीं के लोगों के हैं, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़ के, जो कि डूबे हुए हैं घर, इस मथुरा के किनारे यहाँ पर कैंप में यहाँ पर रह रहे हैं। और ये जो प्रसादी आप सामने देख रहे हैं, जो हमारी बट रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसी तरह से ब्रजदर्पण परिवार इन ब्रजवासियों की सेवा करता रहेगा। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय हम यमुना महारानी से जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के ये जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए ये सेवा है। आप देख सकते हैं जल सेवा, और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप। गरम गरम प्रसाद भैया सबको बांट दियो, दो पैकेट दे दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, और उनमें बातचीत करें। ये एक बात बताइए, ये कितने घर हैं यहाँ पर? ऐसे घर आते हैं अभी 15-20 घर हैं। 15-20 घर हैं यहाँ पे, जो अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं कहीं पे? और भी इधर रेल की पटरी पे। कितना पानी है तुम्हारे वहाँ पे इस समय? अभी हमारे घर के अंदर इतने पानी भरे हैं। गोंटू पानी में पहले मैं सामान ले लूं। आप देख पा रहे होंगे कि इतना पानी अभी घरों में है, और उन घरों को छोड़ कर अब यहाँ पर ये शरण लिए हुए हैं। और इस प्रकार की सेवा ब्रजवासी और जितने भी आसपास के लोगों में सब लगे हुए हैं, और काफ़ी कष्ट के साथ में ये यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और थोड़ा आगे की तरफ हम दिखाएं आपको, जो यमुना जी का जो स्वरूप है, वो यमुना जी का आप देख सकते हैं। ये जो घर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारे जो घर हैं ये यहाँ पर, ये सब निचले इलाके में जो यमुना जी के यहाँ पर डूबे हुए हैं। आइए चलते हैं, एक बार पुनः आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर ये राज सामग्री बट रही है। थोड़ा पास से आप दिखाइए, और जिस तरह की ये सेवा है, अद्भुत सेवा है, और जिन्होंने ये सेवा दी है उनके लिए हमारे बांकी बिहार जी राधा रानी की तरफ से एक ही निवेदन है कि किशोर जी उन पर अनन्य कृपा करें, जिन्होंने इस सेवा भाव में अपनी भूमिका निभाई है। तो इस तरह का ये लगातार हम करते रहेंगे जब तक ये इनका पानी घरों का घटे नहीं। यहाँ पर बाबा हैं हमारे। बाबा कितने दिनों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं? एक हिसाब 15 5 दिन हो गए। तो तुम्हारे घर नीचे ही है क्या? हाँ, नीचे ही। तो कितना कितना पानी है वहाँ पे? अभी पानी मतलब कम हुआ है, अभी मतलब घरों में थोड़ा सा मतलब दिक्कत बन रही है। दिक्कत है यानी कि घूम फिर नहीं सकते हैं, और बाकी लाइट भी कटी हुई है। लाइट भी कटी हुई है, ना निकल सकते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। पानी निकलवा दो भैया, फिर हम तो भूखे प्यासे अपने मकान में पड़े रहने, और हमारा भी नुकसान हो गया, सारा बगली से बैठ गया है, टेल वगैरह सारे टूट गए हमारे। तो पानी का निकास नहीं है, पानी जमा है घरों में, जमा है। अच्छा, खाने पीने का कैसे हो रहा है? खाना पीना तो मिल रहा है, खाने पीने में दिक्कत है। जो लोग ला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब है ना, सब सेवा, खाने पीने की कोई कमी नहीं था। आप देख सकते हैं तो नुकसान बहुत हो गया। अच्छा, और जो बगली में प्लॉट पड़े हैं खाली, कोई नाली की कोई सुविधा नहीं है पानी निकलने की। इधर जो पानी इकट्ठा हो गया वो निकलेगा, तब जाके वहाँ कोई बात बनेगी। तो ये कष्ट बहुत
बहुत है, बदबू आ रही है बहुत पानी में, बहुत पानी की। तो ये कितने ऐसे यहाँ पर ये रात कैंप बने हुए हैं? ये रात में ये सब पानी भरे हुए हैं उनके मकानों के आने। ये लोग मतलब है मतलब 60-65 लोग हैं ये जो बेचारे मतलब वो अभी मतलब अपने घरों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि इस समय हम मथुरा में हैं और उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर यमुना जी का जो पानी है, आप देखेंगे कि इस रेलवे लाइन के बगल में ये हमारी पूरी टीम है और ये पूरा सामान लेके हमको क्रॉस करनी पड़ेगी रेलवे लाइन, और उसके उधर के छोर पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके लिए ये सेवा आप देख सकते हैं। और यमुना जी में जिस तरह का पानी आया है ना, वो पानी आप देखेंगे हम यहाँ क्रॉस करेंगे रेलवे लाइन को, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ में ये हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जय हो। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ। और हम आपको बता दें कि हम इस समय मथुरा के एक निचले इलाके में, यानी कि मथुरा की कॉलोनी है, आप देख सकते हैं और यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। और इन लोगों का जीवन आप महसूस करिए। और ये पूरा सामान लेके हमारी पूरी टीम यहाँ से चल रही है और हमको जाना है आगे इस पानी से निकल के। जय हो। और ये देख रहे हैं कि अंधेरे में ये सारे ब्रजवासी ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। ये अनन्य भाव का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं कि किस तरह से सामान को सिर पर रख के हम घर घर तक ये सेवा पहुँचा रहे हैं। और ये अपने आप में ये सब लोग धन्य हैं जो भगवान ने इनको सेवा के लिए यहाँ पर चुना है। जय हो। कितने लोग हैं घर में? कितने लोग हैं घर में? 5 हैं। 5 पैकेट हैं। 5 लोग हैं। तो यहाँ पे भैया लाइट वगैरह सब आ रही है ना? आई अभी? अभी तो आई है फिलहाल। अभी आई है? अभी आई है। हाँ, पानी अब उतरा है यहाँ पे। हैं पानी अभी उतरा है। पीछे से पूरा बैठ गया है। अच्छा, और एक चीज़ और बताएं हम आपको कि जो पानी है और उस पानी से जो नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो घर हैं वो भी इस समय यहाँ पर बैठ चुके हैं पानी की वजह से। ये देखिए पूरा फर्श। अरे वाह। और ये ब्रजवासियों के वो घर हैं जो कि यमुना किनारे इस निचले इलाकों में, आप देखिए किस तरह से पूरा ये जो फर्श आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा बैठा हुआ है। और जिस तरह से पानी बढ़ा था, ये देखिए आप कितना नुकसान है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इस तरह का जो पानी का जो मंजर यहाँ पर रहा है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सील है इस कमरे के अंदर, और सामान को इन्होंने स्टोर को ऊपर की तरफ सारा सामान रखा है इन्होंने। और इस तरह की बाढ़ यहाँ पर आई है और जिसका हम आपको ब्रजवासियों के वो घरों की स्थिति दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि कितना, ये देखिए ये सारा सामान ऊपर रखा हुआ है। बाबा जिस समय ये जो पानी आया, उस समय कितनी तकलीफ हुई है? अरे साहब पूछो मत, न्याया तक ये पानी था गैयाओं के लिए। यार पूछो हमें, मतलब वहीं पर ले जाना बांध पे पड़ता था हमेशा। यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। आप लोगों का ही सहयोग रहा था, जब ऊपर खाना दे देते थे, थैला लटका देते थे तो खाना दे देते थे, नीचे उतरने का तो कोई काम ही नहीं था। इतनी बुरी हालत थी यहाँ पर सर। अब पानी कहाँ तक रहा है लगभग? पानी लगभग मतलब ये रहा है, मतलब करीबन 5 फुट के करीब। 5 फुट के करीब। अच्छा, अब यहाँ पर ये पानी डाउन हो रहा है। अब पानी डाउन हो रहा है। हाँ, अब पानी डाउन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जितना भी यहाँ का कष्ट है, और ये देखिए आप कितना दरार यहाँ पर आई है पानी की वजह से। और ये पूरा मकान इस समय क्षतिग्रस्त है इस बारिश से।
इस बाढ़ के पानी से। तो जिस समय पानी आया उस समय आप यहाँ से चले गए? कहीं ना गए भैया, हम तो कहाँ जाते, हम पे और कोई जगह ही ना है, कोई जगह ही नहीं, छत पे बैठे रहे ऐसी बारिश में। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं, और ये देखिए आप घर से बाहर निकलते ही यहाँ पे पानी ही पानी है, और इस तरह का ये देखिए आप गौ माता भी यहाँ पानी में खड़ी हुई है। चलिए भैया, और ये पूरी टीम हमारी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लगी हुई है सेवा भाव में, और आपको भी दिखाना चाहते हैं। और इस समय पानी अभी भी काफ़ी पानी है, और इस पानी को निकालना ही पड़ेगा, ये पानी निकलेगा नहीं। और घर घर में यहाँ देख पा रहेंगे, कई घरों में ताले लगे हुए हैं, और कई घर पे यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, और चारों तरफ जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जो कि पानी यहाँ पर काफ़ी रहा है। ये जगह सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मथुरा की एक ऐसी कॉलोनी में हैं जहां पर कष्ट ही कष्ट आपको नज़र आता है। मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे घोंटू घोंटू से नीचे पानी यहां पर है, और यहां पर जो रहने वाले जो यहां की जो जो कॉलोनी के लोग हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। इस पानी को कितने दिन हो गए यहाँ पे? छः दिन हो गए सर। हाँ सर, दिन हो गए। तो छः दिन से पानी ऐसे ही डटा हुआ है कि और भी लेवल बढ़ा हुआ था इसका? जिससे नहीं बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा पानी था ये लेवल, तो इसका यहाँ तक था। किस किस तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं? सब चीज़ की परेशानी, खाने की, पीने की, दूध की, चाय की, लाइट की, यानी कि पीने के पानी तक की परेशानी है। परेशानी ये कहो क्या नहीं है, परेशानी सब परेशानी है पूरी कॉलोनी में। ये कितने घर होंगे आपके हिसाब से इस कॉलोनी के अंदर? देखो उधर जो पानी के अंदर में कम से कम अभी भी होंगे 15 घर तो करीब होंगे, है ना? 15 घर तो होंगे यहाँ का, तो इतना हो गया घेटू तक, वहाँ तो यहाँ यहाँ तक है, थोड़ा आगे देखो। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ लोगों में कष्ट है, बिजली नहीं है, खाने का साधन नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं है। इस समय देख सकते हैं आप कितना पानी यहाँ पर मथुरा के पास इस कॉलोनी में भरा हुआ है, और इन लोगों की गुजारिश है कि शासन प्रशासन जितनी जल्दी हो सके इस पानी को निकाले, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर महामारी का खतरा बना हुआ है।